नमस्कार दोस्तों, गुढ़ा एजुकेशन सीरियल में आपका स्वागत है। हम लोग GPS गुढ़ा पब्लिक स्कूल गुढ़ा गौड़ जी और यहाँ की कॉमर्स पूरे डिपार्टमेंट से मुखातिब हो रहे हैं और हमारे साथ बैठे हैं आज संवाद में सैनी सर और साथ में बंटी शर्मा सर। बंटी शर्मा सर इकोनॉमिक्स में हैं और सैनी सर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटेंसी में है। सैनी सर, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में और कॉमर्स में स्पेशली एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि एक दौर ऐसा आया जिस दौर में कॉमर्स को लेकर स्टूडेंट्स में और गार्जियंस में एक बेरुखी सी हो गई थी। अब धीरे धीरे दोबारा इसकी और अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और स्पेशली आपका GPS का जो पूरा कॉमर्स डिपार्टमेंट उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले गुड मॉर्निंग निखिल जी। सर जी, आपने हमें यहाँ बुलाया और पूरी बातें आप पूछ रहे हैं। इसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट में देखिए, आज के समय में देखा जाए तो CA, CS, BBA, MBA ये सभी कोर्सेज चल रहे हैं। पहले जो मूल रूप से कॉमर्स का स्टूडेंट था उनका मूल सपना एक ही होता था, CA लाइन में। बहुत सारे स्टूडेंट यही जानते हैं कि इसमें CA ही होता है, CS ही होता है, जबकि यही नहीं है। इसमें अनेकों कोर्सेज चलते हैं। इसमें दो कोर्सेज होते हैं, एक डिग्री कोर्स होता है और एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। डिग्री कोर्सेज के अंतर्गत अपन बात करें तो जैसे BCom हॉनर्स और BCom के साथ में अपन MCom भी इसमें कर लेते हैं, उसके साथ में अपन BBA कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं, LLB कर लेते हैं। ये सभी कोर्सेज हैं वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। इसके साथ में अपन बैंकिंग क्षेत्र में इसमें जा सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स की अपन बात करें तो इसमें CA कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में, CS कंपनी सेक्रेटरी, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित बात होती है, ICWA होता है, ये वर्क्स कॉस्ट प्रोडक्शन से संबंधित बातें होती हैं। ये सभी इसके अंदर कोर्सेज चलते हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्स की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। गार्जियंस का रुझान इसकी तरफ अब दिन पर दिन बढ़ रहा है क्योंकि अब GST का प्रभाव हमारे पूरे देश में लागू हो गया है। जैसा कि मोदी जी ने अभी GST लागू किया था गत वर्ष और वह पूरे देश में लागू हो गया, सभी प्रकार के करों को एक साथ एक ही श्रेणी में रख दिया गया, तो कॉमर्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया जी। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अपन चलें तो टैक्स से संबंधित बात हमें ज़रूर आनी चाहिए और इन संपूर्ण टैक्सेस के बारे में कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही हम पढ़ पाते हैं। क्योंकि वैसे देखा जा सकता है अपन मार्केट में जाकर किसी कंप्यूटर सेंटर पे अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अपन पूरा नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते सर जी। तो इसलिए दिन पर दिन आज कॉमर्स डिपार्टमेंट एक ऊँची श्रेणी की तरफ बढ़ रहा है सर जी। जी सर, आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें आप किन चीज़ों को कवरेज करते हैं, थोड़ा ये भी हमारे दर्शक जान। देखिए, सबसे पहले अकाउंटेंसी में नाम से पता है अकाउंटेंसी, अकाउंट्स में का मतलब, कहने का मतलब है कि जो भी व्यापारिक और गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज के अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है अकाउंटेंसी के अंतर्गत जी। जिसमें अपन फाइनेंशियल क्षेत्र हो, चाहे बैंकिंग क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, उसमें अपन अकाउंट्स को मेंटेन रखते हैं। दूसरी बात होती है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कहने का मतलब अपन व्यापार की जो नीतियां होती है उन व्यापार को किस प्रकार से हम सही तरीके से संचालित करें, व्यापार में क्रय विक्रय की पद्धति, अर्थात कहने का मतलब कहा जा सकता है कि हम एक अच्छी तरह से प्रॉफिट को किस प्रकार कमाया जा सके, एक अच्छा लाभ किस प्रकार से कमाया जाए, ये सब बातें बिजनेस में होती है। इकोनॉमिक्स के बारे में मेरे बड़े भाई बंटी सर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही हमारे इस संस्थान में जो बहुत सारे देखे गए रिजल्ट्स हैं, जैसे कि सत्र 2018-19 के बारे में मैं आपको अवगत करवा दूं निखिल जी सर, कि यहाँ पर हमारे पास 94% से प्लस 5 स्टूडेंट्स थे, जिसमें टॉप स्टूडेंट हमारे पास निकला था 96.80% के साथ में जी। सेकंड पोजीशन हमारे पास थी 96, थर्ड पोजीशन थी हमारे पास 95.40, उसके बाद में फोर्थ पोजीशन हमारी थी 94.60 और जो फिफ्थ पोजीशन थी वो हमारी 94% के साथ में रही थी। फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा परसेंटेज रहा है। अगला सवाल मैं बंटी सर आपसे करना चाहूँगा कि आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपका कॉमर्स का जो कॉमर्स के साथ जो इसका संबंध है वो किस तरह का है और स्पेशली इसमें स्कोप किस तरह के हैं इकोनॉमिक्स में? बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और देखी गई कि जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, काफ़ी हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, वो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इसके पीछे भी क्या राज है, थोड़ा ये भी बताइए।
गुड मॉर्निंग सर, निखिल जी सर, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैंने एम कॉम एम ए प्लस बी एड कर रखी है, तो मैंने जीपीएस में 2009 में जब स्कूल ज्वाइन की थी तब अपने ये जो स्कूल है जीपीएस अपने चरम सीमा पे था, तो हमें यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो अध्यापकगण है और जो मैंने तन मन से यहाँ काम किया, तो उस छोटी सी जो अवधि में हमने 3 स्टेट मेरिट और 20 डिस्ट्रिक्ट मेरिट दिए उन 7-8 साल के अंदर अंदर जी। और अभी सुनील जी सर ने बताया 2019 में हमने 94% से जो 5% बच्चे जो अबो दिए, ये पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। अपने जीपीएस साइंस स्कूल के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन ये कॉमर्स में भी अपना बहुत योगदान रखता है, तभी जीपीएस को हम ग्रेड पॉइंट स्कूल के नाम से भी जानते हैं जी। एक सर मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, शहरी क्षेत्र के बजाय थोड़े से अनजान हैं, वो कॉमर्स सेक्टर के प्रति थोड़ा सा रुचि कम रखते हैं, तो इनमें वैसे देखा जाए तो काफ़ी स्कोप देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आज इंडस्ट्रियल जो एरिया है इसमें देख लें, बैंकिंग सेक्टर में देख लें, आज अपना जो शेयर मार्केट है, जैसे इसमें हम देखें म्यूचुअल फंड है, आज जो फाइनेंशियल है, और हाल ही में जो नरेंद्र मोदी ने जीएसटी है, नोटबंदी है, कैशलेस ट्रांजेक्शन जैसे काम किए हैं, तो इससे कॉमर्स और इकोनॉमिक सब्जेक्ट का काफ़ी स्कोप बढ़ गया है, तो विद्यार्थी इसमें काफ़ी रुचि ले सकते हैं जी सर। और अगला लास्ट सवाल मैं फिर सैनी सर से करना चाहूँगा कि कॉमर्स अन्य स्कूलों में भी संचालित हो रहा है जी सर, तो जीपीएस का कॉमर्स किस तरह भिन्न है, किस तरह से अलग है उन सब से, आपके पास उनसे क्या हटकर है, क्या बढ़कर है, क्या आपके पास एडवांस है? देखिए सर, अन्य स्कूल की अपेक्षा में हमारे पास जीपीएस में कुछ अलग देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो सब्जेक्ट विशेष से संबंधित हैं। अन्य स्कूल्स में अपन देखने को मिलता है कि एक टीचर्स कई सब्जेक्ट्स को कवर करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से मैं मेरी बताऊँ तो मैं जैसे मैं बिजनेस और अकाउंटेंसी दोनों यहाँ पर डील कर रहा हूँ, तो मैं दोनों सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ जी जी, अकाउंटेंसी से प्लस बिजनेस से। दोनों सब्जेक्ट के बारे में कहने का मतलब हम हर बच्चे को बारीकी से हम प्रैक्टिकली भी करवाते हैं हर बच्चे से, कहने का मतलब जब हम अलग से एक एक पॉइंट नोट्स लिखवाते हैं, उन नोट्स को तैयार करवाते हैं, साथ में उनको डेली होमवर्क देना, डेली होमवर्क चेक करना, बच्चे की हर सप्ताह में एक बार नोटबुक जांच करना, बच्चे का हो सके तो हर सप्ताह में हम लोग एक बार क्लास टेस्ट भी ले लेते हैं, जबकि स्कूल के द्वारा तो हर मंथली सर्किल एग्जाम ली जाती है, जबकि हम लोग क्लास टेस्ट भी रखते हैं जिसमें हर सप्ताह के एंड में हम लोग ऐसा प्रक्रिया करते हैं, जिससे ये ऐसा अन्य विद्यालयों में देखने को कम मिलता है, जिससे हमारे रिजल्ट्स अन्य स्कूल्स की अपेक्षा अच्छे आते हैं जी। थैंक यू सैनी सर, थैंक यू बंटी सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा और हमारे व्यूअर्स से आप मुखातिब हुए और हमारे व्यूअर्स जान पाए हैं कि वाकई में कॉमर्स सब्जेक्ट है, उसकी क्या एडवांटेज हैं और स्पेशली जीपीएस में कॉमर्स किस तरह से अलग है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।